भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कई लोग कोरोना से संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत, और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन डॉक्टर अजीत सदानी जी। तो शुरू करते हैं स्वराज एक्सप्रेस के खास पेशकश यानी कि स्वराज सेहत। तो अजीत जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है स्वराज सेहत में। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अजीत जी? जी अजीत जी, सवालों की शुरुआत करते हैं। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि अत्यधिक गर्मी पड़ने से कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा, पर धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, बावजूद इसके जो कोरोना है उसके आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, इनिशियल जो रिसर्चेस हो रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि वायरस जो है हीट में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा जी, पर अब वायरोलॉजिस्ट कंटिन्यू जैसा रिसर्च कर रहे हैं जी। और जैसा अपन ने देखा कि दुबई, कतर, ये सब गर्म इलाके होने के बावजूद भी वहाँ पर कोरोना का कहर जारी था, तो ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है कि गर्मी बढ़ने से वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा जी। ना अत्यधिक गर्मी ना अत्यधिक ठंड, दोनों में वायरस सर्वाइव करने का सक्षम है जी। तो अभी तक जो ये गलतफहमी फैल रही थी लोगों के बीच में कि गर्मी आएगी तो ये वायरस अपने आप ही खत्म हो जाएगा, कह सकते हैं कि ये सिर्फ भ्रम था और ये जानकारी गलत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस फैलने का प्रमुख कारण क्या है और इससे इससे बचाव के क्या क्या कारण है, कि क्या कुछ करके हम इससे बच सकते हैं, और साथ ही क्या कारण है जिसके चलते ये फैलता है। जी, सबसे प्रमुख कारण अगर अपन देखें तो जो ट्रेवलर्स जो बाहर से आए हैं, दूसरे देशों से आए हैं, अपने हिंदुस्तान में उन्हीं के द्वारा वो बीमारी आ पाई है जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टार्ट हुआ चाइना में, फिर चाइनीज लोग बाहर गए जी, वहां पर धीरे धीरे स्प्रेड हुआ। ये मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है इसका काफी स्ट्रांग है जी। और वही प्रदेश बचे हुए हैं अभी तक जहां पे पहले से ही लॉकडाउन कर दिया गया, जहां पर मरीज कम से कम पहुंच पाए, और कुछ कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, उन लोगों ने बहुत एक्टिवली लोगों को ट्रेस किया और उनको आइसोलेट किया। यही एक मुख्य कारण है कि हम सभी जो है मीडिया भी एक ही रिक्वेस्ट सबसे कर रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें अपनी जी। सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक इस वायरस से बचकाने में समर्थ अपन हो पाए हैं केवल इसी कारण से कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन। अगर ये लॉकडाउन खुलता है जी, तो फिर से जो एक तरह से फैलने का खतरा बढ़ने की संभावना रहेगी जी। अजीत जी, पहले ये सारी जानकारियां जी, कंटिन्यू कीजिए आप जी। मुख्यतः जो है ये फैलता तो है ड्रॉपलेट्स के द्वारा, जैसे छींक से, या फिर जो मरीज संक्रमित है वो आपके आसपास है और खांसता है, और अगर आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, तो मुख्यतः जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलने का इसका खतरा रहता है। उसके अलावा माइक्रो ड्रॉपलेट भी एक नई थ्योरी सामने आ रही है जिसमें ये वायरस सक्षम है कि ये काफी दूरी तक, कम से कम 6 से 8 मीटर की दूरी तक भी जा सकता है।
तो इसलिए सभी सलाह दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क पहनिए। मास्क आम जनता जो है वो केवल कपड़े का बना हुआ मास्क ही पहन सकती है, जो डेली अपने घर में जाके अपना धोकर उसको फिर अगले दिन प्रेस करके पहना जा सकता है। बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो यूजली सभी हम N95 मास्क जो है वो यूज़ कर रहे हैं। फिर हैंड वॉशिंग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मरीज छींकता है खांसता है जी तो ये ड्रॉपलेट थोड़े हैवी होने के कारण सतह पर बैठ जाते हैं, और सतह पर बैठकर ये जो है इनकी सर्वाइव करने की क्षमता जो है धीरे धीरे, जैसा रिसर्च हो रही है, तो प्लास्टिक में 24 घंटे तक ये सर्वाइव कर सकता है। और जी सोचिए इसी समय कभी कोई दूसरा व्यक्ति उस पर हाथ रखे और फिर वो अपना हाथ जो है मुंह नाक कान कहीं भी टच करे, तो मुख्यतः यही रूट है जिससे कि ये ट्रांसमिशन जो है बढ़ता जा रहा है और उसको रोकना मुश्किल हो रहा है काफी पूरे विश्व में। जी अजीत जी, अभी आपने मास्क का जिक्र किया, क्या मास्क हर किसी को पहनना है? ये मैं इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि मास्क सभी को पहनना है, फिर बीच में ऐसी खबर आई कि जो संक्रमित है मास्क सिर्फ उनको पहनना है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जी, अभी जैसे एक चेक रिपब्लिक है वहाँ पे वो लोग 100% जो है मास्क पहनना रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन किस तरह का मास्क ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मास्क भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जी तो जो संक्रमण का जिनको खतरा ज़्यादा है उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो N95 मास्क पहने, जी और जो सामान्य जनता है उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सर्जिकल मास्क या N95 मास्क ये मत पहनिए। आप लोग रूटीन अगर घर में कपड़े का बनाया हुआ मास्क भी पहनते हैं और एक दूरी बना कर रखते हैं जी तो आप कोरोना से बच सकते हैं। जी अजय जी, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो घर में कपड़े का बनाकर मास्क पहन रही है, तो क्या जो कपड़े का बना हुआ मास्क होता है उसको हम जी धोकर दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको धोकर और प्रेस करके अच्छी तरह से हम दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। ये 4 से 6 घंटे के लिए अपने मतलब बचाने के लिए सक्षम है एक तरह से। जी, और वैक्सीन का भी कई जगह पर जिक्र हुआ, क्या अभी तक कोई ऐसी वैक्सीन है जो इस बीमारी से बचा सकती है? नहीं, अभी तक जो वैक्सीन कोई भी अप्रूव नहीं हो पाई जी है ना। जैसे अब न्यूमोकोकल वैक्सीन अपन बोलते हैं कि वो कई लोगों में भ्रम है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाने से हम इससे बच सकते हैं, या फिर जैसे अभी रिसर्च भी चल रही है कि जो BCG वैक्सीनेशन सभी हिंद जैसे अपन जो नेशंस जो इंडिया पाकिस्तान ये सब सबको बचपन में ही लग जाता है, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव जी इम्यून बूस्टर की तरह काम कर रहा है। पर ये अभी सब रिसर्च ही है, अभी तक प्रॉपर कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। जी एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अजय करके, अजय डहरिया है शिवपुरी से, माफ कीजिएगा सिवनी से है अजय। अजय बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्कार, जी डॉक्टर साहब नमस्कार, हेलो। जी सवाल बताइए आपका। जी हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, से सवाल ये था जी। कि ये से अपना सैनिटाइजर हैंड वॉश हैंड के लिए यूज करते हैं अपन लोग, तो उसमें 74% एल्कोहल वाला बता रहे हैं, परंतु जैसे अपने बॉडी स्प्रे या लोकल जो परफ्यूम रहते हैं उनमें भी 95% एल्कोहल यूज होता है, तो उनको भी अपन ये दरवाजे वगैरह में उपयोग कर सकते हैं क्या? देखिए सबसे अच्छा तो जो है ना अपन मानते हैं कि जो हैंड वॉशिंग है वो सोप से भी अगर आप करते हैं तो ये 100% इफेक्टिव है। दूसरा, आप अगर आप सरफेसेस की बात कर रहे हैं जैसा कि डोर के हैंडल्स हैं, कार के हैंडल्स हैं, नॉब्स हैं, तो इसके लिए एक्चुअली रिकमेंडेशन कुछ दूसरे हैं। इसमें जैसे एक बैसिलोसिड या के नाम से उपलब्ध होती है मेडिसिन, जिसको लिक्विड अपन बनाकर उसका उससे वॉश करना ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। पर आप जैसे घरों में और अपन चाहें कि भाई जैसे बड़ी मात्रा में अपने को सामान्य उपयोग करना है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका है ना, जो हर किसी के घर में आसानी से उपलब्ध रहता है, तो अगर अपन ब्लीचिंग पाउडर का भी सॉल्यूशन, दो तरह के आते हैं ब्लीचिंग पाउडर, एक 20% और एक 33%, तो अगर आपके पास 20% वाला है आप उसको देख लीजिए, 20% वाला अगर अवेलेबल है तो उसको अगर आप 1 लीटर में पानी में मिलाते हैं उसको, और उस घोल से आप जितने भी नॉब्स हैं आपके घरों के वो साफ करते हैं, तो ये इक्वली सफिशियंट है। बेसिकली जो इसमें एक
तत्व अपन बोलते हैं हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोर जिसमें भी होता है, जैसे कि आप जो लाइजॉल भी यूज करते हैं उसमें भी जो है हाइपोक्लोराइट होता है, जिससे कि ये वायरस मर जाता है। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कैलाश से रायपुर से हैं। कैलाश बहुत स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे को ये सवाल पूछना था कि वो हम जैसे पता कैसे करेंगे कि इसमें अपने को पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जी, तो एक तो सबसे पहले उनमें सिम्टम होने चाहिए जो भी आपके आसपास हैं। जैसे अगर आपको पता है कि वो फीवर, कफ और सांस में तकलीफ, या फिर ट्रैवल करके आए हुए हैं, तो उसी से अपने को पता चलता है। और दूसरा, ब्लड टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलता है, जो एक RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है आजकल, उससे ही पता चल सकता है कि COVID-19 है। अजीत जी, हम सोशल मीडिया पर काफी सारे कोरोना के इलाज देख रहे हैं। डॉक्टर तो अभी तक इलाज उसका नहीं बना पाए हैं, वैक्सीन नहीं बनी है, पर आम जनता ने ऐसा लगता है कि उसका इलाज ढूंढ लिया है। कहा जा रहा है कि लहसुन खाने से या फिर च्यवनप्राश खाने से इसे बचा जा सकता है। कितनी सच्चाई है इसमें या फिर सिर्फ एक भ्रम है? इलाज के लिए तो हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूर जो एक लाइफस्टाइल है ना, अगर व्यक्ति एक्सरसाइज करता है डेली, अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखता है, तो जो एक्सरसाइज है वो एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर आप जो ये च्यवनप्राश है, गिलोय बोल रहे हैं जो आजकल रामदेव बाबा काफी प्रचार कर रहे हैं, या इवन विटामिन सी है, आंवला है, ये सारी चीजें जो है ये इम्यून बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और ये इम्यूनिटी जो है एक दो दिन में डेवलप नहीं होती है, ये आपका रेगुलर है ना, सुबह सुबह जैसे कोई उठ रहा है, सूर्य नमस्कार करता है, सूर्य की एनर्जी को अपने में अब्सॉर्ब करता है, हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो कि अपने को बचाएगी। क्योंकि आप अगर देखें तो 95 से 98% लोग जो हैं इस बीमारी से पूर्णतः स्वस्थ हो जा रहे हैं। केवल 2 से 3% लोगों में ही जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो इस बीमारी से लड़ सकते हैं आसानी से। जी, और एक और हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं, कमलेश जुड़े हैं। कमलेश बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में, बताइए। छिंदवाड़ा से कॉलर हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जिसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जो कहीं नहीं जा रहा है बाहर, तो जी सबने अपना सवाल पूरा कीजिए। कि जैसे किसी किसी की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, कोई कहीं जा भी नहीं रहा है, तो क्या उसको भी ये संक्रमण फैल सकता है? देखिए क्या है कि कई पेशेंट्स में ये असिम्प्टोमेटिक रहता है, तो उसी को अपन कम्युनिटी स्टेज बोलते हैं। कि जब कोई व्यक्ति ट्रेवल कर आया, वो काफी जगहों पर गया, और जो संक्रमित नहीं भी था, उसे तो जानकारी नहीं थी कि सामने वाला ट्रेवल करके आया है और संक्रमित है, तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, ये भय रहता है कि उसने वायरस को ग्रहण तो कर लिया लेकिन उसमें सिम्टम कोई डेवलप नहीं हुए। तो जो Stage 3 कम्युनिटी स्टेज अपन बोलते हैं, वो यही होती है कि लोगों को पता नहीं रहता लेकिन काफी लोगों में वो बीमारी फैल चुकी होती है। और अभी तक जो अपने पास गाइडलाइंस हैं ICMR के। जी अजीत जी, एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं, संक्रमित व्यक्ति के। जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी जी, तो अभी तक जो गाइडलाइंस है उसमें तो संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं, उन्हीं को अपन आइसोलेट कर रहे हैं और उन्हीं की जांच कर पा रहे हैं। अभी रूटीन आप बोलेंगे कि हर किसी की जांच कर पाए तो वो संभव नहीं है अभी की स्टेज पे। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं इंदौर से, नदीम। नदीम बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका, जो आप अजीत जी से जिसका जवाब चाहते हैं। डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या डॉक्टर ये हवा में भी घूमता है? और एक सवाल और है, क्या घर में जो मोबाइल और हम जो रिमोट टीवी का वो यूज करते हैं दिन भर, तो उसको भी बार बार सैनिटाइज करना है? आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग करिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, और वैसे अच्छी बात है अगर आप उसको भी क्लीन करते हैं, क्योंकि ये सरफेसेस जो हैं काफी गंदे माने जाते हैं, रिमोट है,
हैंडल्स हैं जिससे अपन डोर ओपन करते हैं, मोबाइल है, क्लीन करिए, अच्छी बात है ये, इट इज वन ऑफ द पार्ट। और एक और हमारे साथ में कॉलर जुड़े हैं भोपाल से, भूपेंद्र। भूपेंद्र बहुत स्वागत है, बताइए अपना सवाल। मैडम ये बताइए कि लोकल ट्रेवल हिस्ट्री अगर है जी तो कितने दिन तक क्वारंटाइन में रहना चाहिए और उसके बाद कितने दिन के बाद चार्जेस नहीं रहते हैं? जी अगर 14 दिनों तक कोई भी सिम्टम नहीं आता है तो अपन मानते हैं कि भाई उनको संक्रमण नहीं हुआ है। हालांकि ये सब विषय डिबेट के हैं, रिसर्च जारी है, क्योंकि ये ऐसा भी माना जा रहा है कि वायरस जो है स्टूल्स में, मतलब कि जो लैटरिंग है उसमें भी काफी समय तक परसिस्ट कर सकता है, लेकिन मुख्य जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा है, और बुखार और ये जो खांसी है, ड्राई कॉफ है, ये सब आ ही जाता है विद इन द स्पैन ऑफ 8 to 10 days। और एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ में भोपाल से, भानु प्रकाश। भानु प्रकाश बहुत स्वागत है, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल यह है मैडम जी कि जैसे कि किसी ने ट्रेवल हिस्ट्री नहीं की है जी, या किसी के कोई संपर्क में नहीं आया है तो उसको भी कोरोना निकल रहा है, तो ये कैसे संभव है? जी अपन जो बात कर रहे थे स्टेज 3, जो कम्युनिटी स्टेज की बात कर रहे हैं, वो इसी तरह से जब काफी ज्यादा लोगों में फैल चुका होता है और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको पता नहीं रहता है कि वो COVID-19 से ग्रसित हैं, तो ये कम्युनिटी 3 स्टेज में ऐसा ही होता है कि वो काफी फैल चुका होता है, जिसकी इवन ट्रेवल हिस्ट्री ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अजी के आपसे जानना चाहेंगे ये वायरस किन किन अंगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है? जो वायरस है उसको एंट्री करने के लिए एक अपने बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, जिनको ACE2 रिसेप्टर्स अपन मानते हैं जी। कहते हैं, तो प्रीडोमिनेंटली मतलब मुख्यतः जो है ये लंग्स में और हार्ट में पाए जाते हैं जी। तो मुख्यतः जो है लंग्स और हार्ट इनको प्रभावित करता है, परंतु ये साथ ही साथ किडनीज को भी प्रभावित कर सकता है, और जो ब्लड में कोशिकाएं हैं जैसे कि लिम्फोसाइट्स जिनको अपन बोलते हैं जी, जो अपने को फाइट करने में हेल्प करती हैं किसी भी इन्फेक्शन से, तो इन पे भी वो काफी डैमेज करता है, और पेशेंट में ब्लड जो है जमा, मतलब थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ब्लड थक्का बनने वाली जो घटनाएं हैं वो ज्यादा होने लगती हैं ऐसे मरीजों में। तो मुख्यतः आपके फेफड़े हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, और ब्लड ब्लड की जो कणिकाएं हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनको प्रिडोमिनेटली डैमेज करता है ये जी। एक और कॉलर हमारे साथ में भोपाल से जुड़ गए हैं, अर्जुन। अर्जुन बहुत स्वागत है आपका, बताइए आपका सवाल। मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस के संबंध में कई राज्यों की सरकारें हैं, बीमारी उनके सभी कई प्रमुख सदस्य इसके बारे में बड़े बच्चों से बचाव, मतलब बच्चों के जो बचाव के काफी बच्चों का उनके मास्क हम किस तरह बनाए जाए, तो मास्क पहनाते हैं तो वो उतार देते हैं, और उतारने के बाद जो है वो कर ही नहीं पाते हैं, तो मास्क उनको कैसे बनाया जाए, और वो बाहर डालते हैं, इस समस्या से कैसे दूर करा जाए आंखों में, मतलब। जी काफी अच्छा सवाल है। एक्चुअली बच्चे, अगर आप मास्क पहन रहे हैं ना, तो आप बच्चे भी आपके वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, और मुख्यतः आप ज्यादा गंभीर, मतलब देखा जाए तो आप ही बाहर जा रहे हैं हर चीज के लिए, है ना, तो आपसे जो है संक्रमण घर में आने का खतरा ज्यादा है, न कि बच्चे से आप में आने का, क्योंकि बच्चे अभी ना स्कूल जा रहे हैं, न ही वो किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हो रहे हैं जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमारे बच्चों को भय हम ही से ज्यादा है कि जो हम लोग बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हम जब घर आते हैं अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, जैसे कि हम घर जाने के पहले फोन कर दें कि भाई आप गेट जो है उसको खुला रखिए, हम किसी भी नॉब को टच ना करें, घर के अंदर प्रवेश करें, जूते बाहर ही उतार दें घर के, फिर जो अपने जाके हाथ मुंह अच्छे से धो लें या नहा लें तो और अच्छी बात है, कपड़े बदल लें, अपने कपड़े जो है अपन अलग से धोएं बच्चों के कपड़ों से दूर, है ना, जैसे वॉशिंग मशीन में भी अपन डाल रहे हैं तो पहले बच्चों के धो लें उसके बाद अपने कपड़े धोएं, इस तरह के प्रिकॉशन अगर अपन रखेंगे तो अपन बच्चों को अपने बचा सकते हैं। जी
और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गई है, प्रिया पांडे राजधानी रायपुर से हैं। प्रिया बहुत स्वागत है आपका, बताइए आपका सवाल। आवाज पहुंच पा रही है प्रिया मेरी आप तक? प्रिया से संपर्क टूट गया है। रोहित हमारे साथ में सतना से जुड़े हैं। रोहित बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की जैसे अगर बात करते हैं तो 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है और अब तक 3,500 करीब टेस्ट हुए हैं, तो इतने से टेस्ट करने के बाद सरकार ये सोच लेती है कि छत्तीसगढ़ जो है कोरोना से मुक्त हो गया, इसको आप कितनी बड़ी लापरवाही के रूप में देख सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, पहले तो मैं आपको बोलूंगा आप अपने आंकड़े जो हैं ये कहां से आप ये आंकड़े ला रहे हैं? अभी तक तो अपने यहाँ एक भी डेथ नहीं हुई है रायपुर में इससे संबंधित, कोविड 19 के एक भी पेशेंट की डेथ छत्तीसगढ़ में अभी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्रयास कर रही है और अभी हम काफी अच्छा कर रहे हैं जी। बाकी अजी जी, उनका सवाल ये भी था कि अभी लापरवाही जांच जो है वो बहुत कम लोगों की हुई है और जो छत्तीसगढ़ की आबादी है तो वो बहुत ज्यादा है, कम जांच करके हम ये कैसे मान लें कि जो छत्तीसगढ़ की बाकी जनता है वो इससे बची हुई है? देखिए अब अगर अपन ये सारे जो हैं मैटर ये जो है डिसीजन लेना चाहिए जो हायर अथॉरिटीज हैं, उन लोगों ने काफी सोच समझकर आईसीएमआर के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है टेस्ट का जो है प्लान किया है, वो अपने लेवल पे अपन नहीं समझ सकते उन चीजों को, क्योंकि ये संभव नहीं है कि अपन रैंडम किसी का भी जो है चेक करें। तो अभी तक जो गाइडलाइंस हैं उसमें सिर्फ जो कॉन्टैक्ट जिसको है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स को ही अपन चेक कर पा रहे हैं और जो ट्रेवल की हिस्ट्री जिनकी मिल रही है अपन उन्हीं को चेक कर पा रहे हैं अभी तक जी। और एक कॉलर और हमारे साथ में जुड़ गए हैं, शैलेश हैं कोटा से, बहुत स्वागत है शैलेश आपका, सवाल बताइए अपना। आवाज पहुंच पा रही शैलेश आप तक मेरी? दिल्ली से कादिर भी जुड़ गए हमारे साथ में, कादिर बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताइए अपना। जी मैम थैंक यू, नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ कि मैम कि हम तो इमरजेंसी सर्विस में हूँ जैसे सेंट्रल फोर्थ पर्सन हूँ, तो हमको जो है थोड़ा सा सर्दी जुकाम ऐसे हो गया था सिम्टम जो है, तो सर हम ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमको क्वारंटाइन के लिए पहले 10 दिन के लिए दिया था, उसके बाद फिर 14 डेज के लिए दिया, लेकिन कोई जांच के लिए नहीं बुलाया गया, तो अभी जो सिम्टम्स है ओनली फॉर जो सूखा खांसी है वो रह गया, तो जानना चाह रहा हूँ कि सर टेस्ट करना क्या जरूरी है, क्योंकि हमको फिर सर्विस में ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम ऐसे है इमरजेंसी, तो हम आपसे ये सलाह लेना चाहता हूँ कि सिम्टम्स अभी ओनली फॉर सूखा खांसी जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कभी कभी कंटिन्यू ऐसे हो रहा है ना कि लग रहा है कि मतलब रुक ही नहीं रहा है, तो क्या किया जाए सर? जी जैसा कि आप बताएं आपके डॉक्टर साहब ने आपको क्वारंटीन पे रखा था, तो इसका मतलब उनमें जरूर कोई आशंका रही होगी, कोई ट्रेवल की हिस्ट्री आपकी मिली होगी, तो ऐसे केसेस में जांच होनी चाहिए और रिकमेंडेशन भी है आईसीएमआर का कि 5वें दिन और 14वें दिन एक बार जांच होनी चाहिए, उसी के बाद अपन डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोविड 19 था कि नहीं था। अजीत जी, जो कोरोना के लक्षण बताए गए हैं वो सर्दी खांसी और जुकाम इस तरह के लक्षण हैं, पर आम भी देखा जाता है कि अभी भी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये भी कहा गया था कि जिन लोगों को आम सर्दी जुकाम है वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए तो उनको लग रहा था कि उनको कोरोना हो गया है, इसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगी। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं इंदौर से, संजीव। संजीव बहुत स्वागत है, सवाल बताइए आपका। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से भी, नमस्कार, मेरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इंदौर जैसे बहुत ही सेंसिटिव शहर में रहता हूँ, यहाँ हेलो जी, सवाल पूरा कीजिए आप अपना। जी नमस्कार, मैं संजीव कुशवाहा इंदौर से बोल रहा हूँ जी। मेरा निवेदन है कि आप देख रहे हैं इंदौर बहुत पूरी तरह से सेंसिटिव शहर बन गया है और मैं स्कीम 78 विजयनगर में रहता हूँ, यहाँ क्या है कि बहुत घनी बस्ती है जी, तो घनी बस्ती होने के कारण हमको डर लगा रहता है कि किसी में कोरोना वायरस का इफेक्ट तो नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में अपने बचाव के लिए क्या करें? यहाँ नगर निगम कोई सैनिटाइजेशन वगैरह किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। जी वैसे मीडिया लगातार, शासन लगातार हर चीज यही हमें समझा रहा है, सिखा रहा है कि प्रिकॉशंस अपने को जो लेने हैं, हैंड वॉशिंग करनी है, मास्क पहनना है, और मतलब हाथ वगैरह जो है अपने अपने जो है फेस में या आंखों वगैरह पे टच नहीं करना है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि घनी बस्ती में आप जैसे रह रहे हैं, तो आप जो अपने घर के हैंडल्स वगैरह हैं वो सब भी, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया कि जो ब्लीच पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर 20% को आप 1 लीटर में मिलाकर उससे आप जो है अपने हैंडल्स वगैरह जितनी भी चीजें हो सकती हैं जिनके आप संपर्क में बार बार आते हैं, चाबियां हैं, गाड़ी के हैंडल हैं, वो सबको क्लीन करते रहें। और सबसे जो प्रभावशाली है वो है कि आप बाहर ना जाएं, घर पर ही रहें। अजीत जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो आम सर्दी जुकाम होता है और जो कोरोना के लक्षण है, उनमें कुछ फर्क है या सिर्फ जांच के बाद ही ये फर्क पता चलेगा? जी देखिए, जो कॉमन फ्लू होता है उसमें किसी भी पेशेंट को कभी सांस में दिक्कत वगैरह नहीं होती है, और शरीर में जो दर्द है जी, शरीर के काफी हिस्सों में दर्द वगैरह, वो कॉमन होता है उसमें। और कोरोना में जो है एक फीवर जो है प्रीडोमिनेंट फीचर रहता है। फीवर हालांकि सब में रह सकता है, कॉमन कोल्ड और फ्लू में भी रह सकता है, पर जो कोरोना में जो खांसी होती है वो सूखी खांसी होती है जी। और मतलब सांस की दिक्कत यूजली जो जिनमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं वो सब आने लगती है। अजीत जी आप हमारे साथ में जुड़े हैं, जब तक आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए जी बात पूरी कीजिए आप अपनी, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि कॉमन कोल्ड बहुत ही सामान्य बीमारी है, ये हमेशा हर साल हम लोगों को होती रही है जी। आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करिए, एक्सरसाइज करिए और स्वयं ठीक हो जाएगा वो जी। अजीत जी आप हमारे साथ में जुड़े और कोरोना को लेकर तमाम सारी जानकारी आपने दर्शकों से साझा की, और आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा और कई सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो आज आपके क्लियर होंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला जारी है।